Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के अंदर आप कैसे जान सकते हैं कि आज कौन सा प्लेयर खेल रहा है, कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा है। कई दफ़ा होता है कि आप टीम सेलेक्ट कर लेते हो, वो प्लेयर खेलता नहीं है, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि वो प्लेयर खेल रहा है। आपको टीम में कैसे चेंज करना है अगर आपने सेलेक्ट भी कर रखी है, तो वो भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैच लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 29 मिनट के बाद, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको कॉन्टेस्ट सेलेक्ट करना हो, उसमें यहाँ पे देख सकते हैं माय टीम पे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको क्रिएट टीम की ऑप्शन देखने को मिल रही होगी। क्रिएट टीम पे क्लिक जैसे ही करोगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ठीक प्लेयर के नीचे एक आपको आइकन दिखेगा ग्रीन एंड रेड का। रेड के आगे आपको कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, जो ग्रीन है यहाँ पे अनाउंस लिखा होगा ये प्लेयर 100% है, ये प्लेयर ज़रूर खेलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्लेयर के नीचे रेड का सिंबल देखने को मिल रहा है, ये प्लेयर नहीं खेलेंगे। यहाँ पे आपको ऑलराउंडर, बॉलर, बैट्समैन एंड विकेट कीपर के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि जो भी आपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के अंदर अपनी टीम बनानी है, ये आपको टीम सेलेक्ट करने पर आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है, कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा। अगर आपने टीम बना भी ली है तो आपको एडिट कैसे करना, वो भी आपको मैंने वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि प्लेयर चेंज कैसे करते हैं टीम पर, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। अब दोस्तों, आपको वही प्लेयर सेलेक्ट करने हैं अपनी टीम के अंदर जो प्लेयर खेल रहे हैं, बाकी आपको जो प्लेयर के नीचे रेड आइकन आपको दो सेलेक्ट कर लेने हैं, जो भी आपको अनाउंस लिखा हुआ जिस पे, तो वही आपको सेलेक्ट करने हैं प्लेयर जिस प्लेयर के नीचे अनाउंस लिखा हुआ, जिस प्लेयर के नीचे रेड आइकन है वो आपको प्लेयर बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना दोस्तों। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो टीम है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आपको सेलेक्ट कर लेना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको सेव टीम पे क्लिक कर लेना। आपकी जो टीम है वो यहाँ पे बन के आपको दिख जाएगी। कैसे आपको जाना कि प्लेयर कौन सा खेल रहा है, कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा, इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ रहा हूँ, नीचे आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं।